नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष महतो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आईआरवी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली मैं आपको बता दूं, कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही अपने स्प्लिट को लेकर ऐलान किया था। जी हां, कंपनी स्प्लिट करने जा रही है अपने शेयरों को। पुराने शेयर जो उनके एक शेयर है उस पर आपको 10 शेयर देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है कंपनी ने वेनसडे का दिन यानी कि 22 फरवरी का दिन कंपनी ने निर्धारित किया है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, क्या बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि ये उन चुनिंदा शेयरों में से है जो लगातार अच्छे से अच्छे रिजल्ट देते जा रही है, जिसके पास प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है और जिसका मार्केट में अच्छा खासा रुतबा चल रहा है। तो देखा जाए तो सारे एंगल पे ये ऐसा शेयर है जो आपको निराश नहीं करता है। और शेयर का प्राइस भी अगर देखे तो शेयर अभी देखा जाए तो 52 वीक हाई के आसपास पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कंपनी के Q3 के नंबर आए थे, बहुत शानदार नंबर थे, लेकिन उसके बावजूद शेयर के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। तो ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है इस शेयर को बाय करने के लिए, क्योंकि स्प्लिट जो है वो हर एक शेयर पे आपको 10 शेयर कंपनी देने जा रही है। तो ऑल ऑटोमेटिकली देखें, 290 रुपए के आसपास पर शेयर है, आपका शेयर प्राइस 29 रुपए के आसपास हो जाएगा। अब वहां से आपको पता है कि जब 30-35 रुपए का जो शेयर होता है उसको ऊपर ले जाने में मतलब ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा शेयर हो सकता है जो अभी के समय के लिए बाई करने का एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और याद रखिएगा, स्प्लिट वाले जो शेयर है वो आपके अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्प्लिट वाले जो शेयर होते हैं बेसिकली 4 से 5 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि सेबी के कुछ नियम रहते हैं, तो उसके अनुसार 4 से 5 दिन का टाइम लगता है जब ये शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो याद रखिएगा, आप जैसे ही बाई करते हैं तो उसके अगले दिन या 2 दिन बाद शेयर नहीं आएगा। 22 तारीख का रिकॉर्ड डेट कंपनी के द्वारा रखा गया है, तो वहां से आप 5 दिन और ले लीजिए, यानी कि अगर देखा जाए तो मंगलवार या बुधवार, क्योंकि 2 दिन सैटरडे संडे है तो उसको आप इग्नोर करें, तो मंगलवार या बुधवार को यह शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, 4 से 5 दिन लगता है स्प्लिट वाले शेयर क्रेडिट होने में, और ये बहुत ही अच्छा शेयर है, सस्ता शेयर है, जो आपको मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 29-30 रुपये का शेयर तो नहीं है, एटलीस्ट 40-45 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से बाय कीजिए, अच्छा खासा रिटर्न ये शेयर बना के दे सकता है। और स्प्लिट का जो डेट है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।